मैं ना यार टीवीएफ के मेकर्स से एक बात पूछना चाहता हूँ कि आप लोग अपनी हर वेब सीरीज को मास्टरपीस क्यों बना देते हो यार। आई मीन कभी कुछ डिसअपॉइंटिंग में बनाओ यार, कभी हम ऑडियंस को कुछ ऐसा कंटेंट हो जो अच्छा नहीं है, जैसे बॉलीवुड करता है अपनी हर दूसरी फिल्म के साथ। ये ना बहुत गलत बात है। अब अगर आप लोग को लग रहा है कि मैं सच में बुराई कर रहा हूँ या फिर मैं पागल हो गया हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि अभी अभी मैंने पंचायत का सीज़न 2 देख के ख़त्म किया है और मैं सच में सोच रहा हूँ कि यार टीवीएफ वाले इतने अच्छे आइडियाज़, इतनी अच्छी स्टोरीज़ लाते कहाँ से हैं। मतलब यार काफ़ी बार हमने ऐसा देखा है कि किसी वेब सीरीज से फर्स्ट सीजन के कंपैरिजन में उसका सेकंड सीजन उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता। कहीं ना कहीं एक्टिंग, इमोशन, स्टोरी या फिर पेस में मार खा जाता है। लेकिन यार पंचायत के साथ ना केस बिल्कुल ही उल्टा है। इसका जो फर्स्ट सीजन है उसको बहुत अच्छे रिव्यूज़ मिले थे, बहुत मज़ा आया था उसको देख के। लेकिन जो सेकंड सीजन है ना यार, वो तो मतलब कमाल ही है। मतलब मैं उसको फर्स्ट सीजन की टक्कर में नहीं और उससे ऊपर रख सकता हूँ, क्योंकि इस बार कॉमेडी के साथ साथ पंचायत में हमें बहुत सारे इमोशंस भी देखने मिलते हैं। और यार मैं एक बात सच्ची बता रहा हूँ कि इसके लास्ट एपिसोड के लिए मैं बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं था। और अब क्योंकि पंचायत के सीज़न 2 को रिलीज़ हुए वैसे काफ़ी दिन हो गए हैं, तो आई होप आप में से काफ़ी लोगों ने इसे देख लिया होगा, बट फिर भी मैं इसे स्पॉइल नहीं करूँगा। लेकिन सच बता रहा हूँ, लास्ट एपिसोड में टिश्यू पेपर का डब्बा साथ लेके बैठना, क्योंकि बहुत रोने वाले हो। अब क्योंकि ये स्पॉइलर फ्री रिव्यू है तो स्टोरी के बारे में मैं ज़्यादा बात तो कर नहीं सकता, बट यहाँ पे इसकी जितनी भी स्टार कास्ट है उन सब की परफॉर्मेंसेस के बारे में तो मैं जितनी बात करूँ ना उतनी कम है। जितेंद्र कुमार, नीना गुप्ता, रघुवीर यादव सर, फैजल मलिक, चंदन रॉय, समीका और बाकी जितनी भी सपोर्टिंग कास्ट थी, यार अगर एक ने भी खराब एक्टिंग की हो ना या फिर एक ने भी अप टू द मार्क परफॉर्मेंसेस नहीं दी हो तो आप बताना। मतलब सभी ने इतना बाकमाल काम किया है। और यहाँ पे एक स्पेशल मेंशन है यहाँ पर फैजल मलिक की एक्टिंग को, जिन्होंने इस वेब सीरीज में प्रहलाद पांडे का रोल किया है। व्हाट एन एक्टर यार। मतलब भाई फर्स्ट सीजन में तो ये शाइन आउट करते ही हैं, लेकिन सेकंड सीजन में हमें इनकी असली पोटेंशियल देखने मिलती है कि भाई किस लेवल के एक्टर हैं ये। और यहाँ पर अभिषेक त्रिपाठी और रिंकी, नहीं एक मिनट यार, इन पे ना जीतू भैया ही सूट करता है। तो यहाँ पर जीतू भैया और रिंकी के बीच में जो केमिस्ट्री है वो भी काफ़ी सही दिखाई गई है। हाँ उतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन इस पूरे सीजन के हिसाब से परफेक्ट है। सीरीज में 2-3 गाने भी हैं जो कि बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। एपिसोड्स की बात करूँ तो टोटल 8 एपिसोड्स है, कुछ 30-35 मिनट के, लेकिन एक भी एपिसोड में मैं बोर नहीं हुआ। मतलब आप इसे 1 go में ख़त्म कर दोगे और आप सोचोगे कि यार कब खत्म हो गई और पता ही नहीं चला। और हमारे जीतू भैया यानी कि जितेंद्र कुमार, फिर से एक बार भाई मैं बहुत बड़ा फ़ैन हो गया आपका। मतलब क्या इनोसेंट परफॉर्मेंस थी यार सच में। और यार मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि इस वेब सीरीज़ को रिलीज़ हुए अभी सिर्फ कुछ ही दिन हुए हैं, पर ये भी ना यार वो अंडररेटेड वाली कैटेगरी में आने वाली है। तो ऐसा ना हो इसलिए फटाफट जाओ इस वेब सीरीज़ को देखो। आपको अच्छी लगे तो अपने सब दोस्तों के साथ शेयर करो। इसे आप फैमिली के साथ भी देख सकते हो। 1-2 गालियाँ हैं लेकिन वो स्क्रिप्ट के हिसाब से क्रिंज नहीं लगती है, मतलब इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। और इसे आप फैमिली के साथ में बेझिझक देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली को बताओ इस वेब सीरीज़ के बारे में, उनके साथ देखो, एंजॉय करो। और मुझे आपसे सिर्फ इतना ही चाहिए कि अगर आपको ये वेब सीरीज़ अच्छी लगती है तो इस वीडियो के नीचे मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर के लिए मैं आपको बिल्कुल नहीं पकाऊंगा, वो पूरी तरह आपकी मर्जी है, आपको करना है कीजिए। बाकी आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए शुक्रिया। एंड अगेन आई एम सॉरी यार, वीडियोज़ जो है वो टाइम पर नहीं आ रहे हैं। काफ़ी सारा ऐसा कंटेंट है जो मुझे सच में पोस्ट करना चाहिए बट मैं नहीं कर रहा हूँ, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ यार। मतलब मैं हर बार एक ही बहाना बनाता हूँ, लेकिन मेरी अपनी मजबूरी है। कभी कभी वक्त नहीं मिल पाता है, उतने ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है। एक छोटे से गांव में रहता हूँ जहाँ के थिएटर्स में टाइम टू टाइम मूवीज़ भी नहीं लगती है। और मैं फिर से ये बात कह रहा हूँ और इस बार सच में कह रहा हूँ कि मैं कोशिश करूँगा कि अपने वीडियोज़ में रेगुलर बना रहूँ और आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दे सकूँ। और यार आप लोग जितने भी लोग हो जो अभी तक मेरे साथ बने हुए हो, उन लोगों को यार मैं दिल से थैंक्स करना चाहता हूँ, तो थैंक यू सो मच। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। Goodbye.